फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। तो आज की एक ऐसी न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पर भी प्रभाव डालेगी। आर्डर ये है कि 69,500 शिक्षक भर्ती ने हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी योग्य हैं जो काउंसलिंग करा सकें और चयन पा सकें, क्योंकि उसने सरकार के उस शासनादेश को रद्द कर दिया जिसके थ्रू, मतलब उस कॉलम को रद्द कर दिया जिसमें 5 साल की अनिवार्यता को लगाया गया था कि किसी और उत्तर प्रदेश में 5 साल की अनिवार्यता होनी चाहिए। अब इसको रद्द करने का प्रभाव ये होगा कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती है उसमें भी यही होगा कि दूसरे राज्य के लोग भी चयन पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो जनरल की मेरिट है वो थोड़ी सी और हाई जाएगी, बिकॉज दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब इसमें फाइट करेंगे। अगर अब चूँकि 68,500 में भी अपीयर कुछ कैंडिडेट किए थे तो अब इसमें भी रहे होंगे, इस वजह से अब ये एक और बुरी खबर है, खासकर से जनरल कैटेगरी के लिए। कहाँ 15 फरवरी को नियुक्ति पाना था और आज कहाँ दिन प्रतिदिन एक नई समस्या आकर खड़ी हो जा रही है। और अभ्यर्थी लड़ भी रहा है तो वो किस हद तक लड़े या कैसे लड़े, सिस्टम के आगे बेकार, परेशान, हताश, ये खबर खासकर से जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। जनरल वैसे भी शिक्षा मित्रों की वजह से बाहर हो जा रहे हैं, 45 और 40% लगाए जाने के बाद अब कट ऑफ सभी भारांक लेकर शिक्षा मित्र की लगभग 40,000 सीटें अगर बुक हो जा रही हैं, तो फिर उसमें शिक्षा मित्र के बाद फिर और कहाँ बची थी, बचती ही कहाँ हैं कि उसमें जनरल वाले पाएँ, है ना। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों की संख्या एग्जैक्टली 40,000 है, मैं ये एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 35 to 40,000 हम मान के चल रहे हैं। और अब दूसरी बात जो 68,500 शिक्षक भर्ती की है उसमें शिक्षा मित्रों की क्या रणनीति है, मैं आपको समझाता हूँ कि वे सीबीआई जांच लगवाएंगे और सीबीआई के थ्रू भी ये सोचेंगे कि सीबीआई जांच के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए या रद्द करवाया जाए, उनका पूरा प्रयास होगा। क्योंकि पिछली बार जो शिक्षा मित्र थे मात्र 7,000 पास हुए थे और समायोजन आपको पता है लगभग 1,70,000 के आसपास जो है रद्द हुआ था, और अब की बार भी अगर मान लीजिए 35,000 मान लीजिए शिक्षा मित्र पास होते हैं या चयन होता है, मान के चलिए अभी तो वे यही सोच रहे हैं, है ना। तो वे उनकी ये थिंकिंग है कि टोटल 42,000 जो शिक्षा मित्र अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन सीट थी 1 लाख, मतलब हटाया गया था लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को। तो वे पिछली बार 69,000 जो सहायक अध्यापक 68,500 जो सहायक अध्यापक परीक्षा हुई है अगर उसको निरस्त करवाने में सफल रहते हैं, तो जैसा कि पता है कि अब परीक्षा का आधार लिखित हो गया है, सॉरी लिखित से बहुविकल्पी हो गया है, तो वे इसका फ़ायदा उठाएंगे और आसानी से 40 और 45%, जैसा कि आपको पता है कि बहुविकल्पी होने से पेपर आसान हो गया है, तो आसानी से 40 और 45% नंबर लेकर आएंगे और उसके बाद भारांक लेकर नौकरी पा जाएंगे। ये रणनीति हो सकती है, ये परीक्षा रद्द करवाने पर इनका फायदा होगा कि उनका चयन अधिक हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मात्र 7 ही हज़ार के आसपास चयन हुए थे, 7,200 कुछ समथिंग था। तो अब जब परसेंटेज डाउन होगा तो उनकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे शिक्षा मित्र के, पिछली बार में भी, और अब की बार तो उन्होंने 40-45 करवा ही लिया है, तो 40,000 अब की बार और आई वही आंकड़ा पिछली बार भी। तो वे उनकी ये प्लानिंग है कि सीबीआई के थ्रू यही करवाया जाए, लेकिन सीबीआई की जांच होने में समय लगेगा, इतना जल्दी सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देगी, और फिर पूरी परीक्षा निरस्त करवाना भी बहुत बड़ा, आई थिंक पूरी परीक्षा निरस्त करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, ऐसा इतना ईजी नहीं होगा कि पूरी परीक्षा निरस्त करवाया जाए। पूरी परीक्षा निरस्त करवाने पर स्थिति ये होगी कि बीएड कैंडिडेट्स बढ़े हुए हैं तो उनको भी चांस मिलने लग जाएगा, लेकिन वे फिर भी शिक्षा मित्रों के आगे नहीं टिक पाएंगे क्योंकि शिक्षा मित्रों का भारांक बहुत ज़्यादा है। इसलिए सभी लोगों को, जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक मजबूती से भारांक के खिलाफ लड़ें। और भारांक में तो ये पार्टी ही नहीं बनने चाहिए थे, ये कौन होते हैं पार्टी बनने वाले, भारांक में तो गवर्नमेंट को पार्टी बनाना चाहिए था जैसे इन्होंने कट ऑफ में बनाया था, लेकिन न जाने क्यों भारांक में मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे ये पार्टी बन गए, जबकि भारांक को पार्टी, आप लोगों को पार्टी सरकार को बनानी चाहिए थी, कुछ लोग जो लड़ रहे हैं। फिलहाल स्थितियां काफ़ी विकट हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं। अब ये एक आज का जो जजमेंट है ये तो और भी तकलीफ देने वाला है कि दूसरे राज्य के भी हमारे यहाँ आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर हो जल्द से जल्द। 14 को सुनवाई है, 14 को बहुत उम्मीदें हैं हर किसी को, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही तरह एक कैंडिडेट हूँ, इसलिए आपके दर्द को मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूँ और समझता भी हूँ। जितना आप परेशान हैं उतना मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या किया जाएगा,
सरकार के आगे, सिस्टम के आगे हर कोई परेशान है। हर कोई सुबह से शाम तक दौड़ रहा है। कुछ लोग सचिवालय जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गए थे, कल भी गए थे, तो वहाँ से भी वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। हाँ, स्पेशल अपील होगी, लेकिन कब होगी कोई पता नहीं। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि चुनाव के बाद हो सकता है सरकार। वैसे एक बात और आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा है, ऑन रिकॉर्ड जजमेंट कोर्ट के सामने ये बात कहा है कि उनकी स्पेशल अपील तैयार है, जल्दी पूरी होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ये बात आपके लिए पॉजिटिव है कि सरकार की स्पेशल अपील तैयार है, तो जल्द ही होगा। लेकिन ये बात ऐसा लगता है कि ये मामला जो है थोड़ा लंबा खींचेगा। डबल बेंच से जो भी हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और उसके बाद भर्ती अंत में ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल करेगी कैसे होना है। लेकिन हाँ, ये तो है कि जो लोग सोच रहे हैं कि 40-45 भी ले लें और 12 अंक भी ले लें, वो नहीं होगा, क्योंकि यह भर्ती किसी एक के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। और अब तो और भी क्लियर हो गया, जो लोग अपनी भर्ती समझते थे, अब अगर दूसरे राज्य के लोग भी आ गए हैं तो ऐसे लोगों का क्या ख्याल होगा, वे खुद से सोचें कि जब हाई कोर्ट ने दूसरे राज्यों को अलाउ कर दिया तो फिर उत्तर प्रदेश के बीएड वाले तो अपने ही हैं ना। ठीक है, तो और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊँगा। चैनल से इस जुड़े रहिए। धन्यवाद।